Hello students, in this video we are going to learn multiplication जो कि chapter 4 का आपका है। तो इस वीडियो में हम लोग multiplication सीखेंगे कि multiplication किस तरह से किया जाता है, multiplication किसे कहते हैं। तो आइए जो है इसमें पहले हम ये जानते हैं कि multiplication क्या होता है, multiply means क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे पिछली क्लासों में आप वन डिजिट का आप मल्टीप्लाई सीखे होंगे, एक संख्याओं का गुणा। तो एक संख्याओं का गुणा आप सीखे, यहाँ जो है वही जो है थोड़ा सा जो है विस्तृत रूप में दिया गया है। जैसे आप इस तरह का कुछ सीखे होंगे, टू मल्टीप्लाई थ्री कर सकते हैं इस तरह से। तो ये चीजें आप सीखे होंगे और उसी को हम लोग आगे भी इस चैप्टर में इसी तरह का सीखेंगे। तो इसमें क्या होता है, टेबल पढ़ा जाता है, थ्री का टेबल आप टू बार पढ़ सकते हैं या टू का टेबल थ्री बार पढ़ सकते हैं। तो इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, थ्री का अगर टू में करेंगे थ्री जो है सिक्स, और टू का थ्री में करेंगे तभी वही आपको प्राप्त होगा। तो मल्टीप्लाई में चाहे इधर से आप करिए चाहे इधर से, वो आंसर आपका वही रहेगा जो आता है। तो इस तरह से जो है मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लीकेशन होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। यानी जो एडिशन जो ऐड किया जाता है उसको कई बार रिपीट किया जाता है। जो संख्याएं ऐड की जैसे टू टू प्लस टू प्लस टू, अब आप देखिए यहां क्या है, ये संख्या रिपीट हो रही है एडिशन में, यानी ऐड करते समय हम इसी संख्या को रिपीट करते जा रहे हैं। तो रिपीटेड जो होता है एडिशन उसी को हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन, इसको मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। अभी हम बता रहे हैं कैसे इसको कहते हैं। जैसे देखिए अब इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या, टू प्लस टू प्लस टू, तो क्या होगा, टू प्लस टू फोर और प्लस टू सिक्स, आपका आंसर कितना है सिक्स। तो सिक्स आपको प्राप्त हुआ। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए कौन सी संख्या है, ये टू है, हमेशा जो है टू टू और टू आ रहा है। तो टू है कितनी बार है, ये आप देखेंगे वन टू थ्री टाइम्स है, तीन बार है। तो इसमें हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, थ्री का टू में टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा सिक्स, सिक्स आएगा। तो देखिए क्या है, आपका जो आंसर यहाँ पे था वही आंसर यहाँ पे आया है। तो क्या हुआ, जो रिपीटेड एडिशन है उसी को हम मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। किसी संख्या को जब बार बार रिपीट करके एड किया जाता है और जो संख्या प्राप्त होती है तो उसको हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि वही चीज हम जो संख्या रिपीट होती है उसको लिखते हैं। और जितनी बार रिपीट होती है, जैसे यहाँ पे वन टू थ्री टाइम्स रिपीट हुई है तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर देखिए आप यही आया है जो यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो इसी को हम मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, 4.1 एक्सरसाइज जो है मल्टीप्लीकेशन की उसको हम सॉल्व करेंगे। आपकी एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हम देखेंगे। देखिए यहां पे एक्सरसाइज 4.1 है, ये जो है सॉल्व द फॉलोइंग्स, जो निम्नलिखित है ये जो नीचे दिया गया है इसको कह रहा है सॉल्व करिए। सॉल्व करना मीन्स हल करना, इसको जो है आपका जो आंसर प्राप्त होना चाहिए वो आपको प्राप्त करना है। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई आपको सीखने के लिए दिया गया है, पहले जो है संख्याओं को ऐड किया जाएगा, रिपीट करके जो है ऐड करेंगे, फिर उसी को हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं उसी संख्या को, जो संख्या रिपीट करके आप ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ फिगर में हम देखेंगे पहले क्या है, ये बॉटल जो चित्र बना है, पिक्चर बना है, इसको देखिए वन वन टू थ्री, कितना है थ्री पिक्चर्स एक बार में दिया है, और फिर कितना है, फिर थ्री है, फिर थ्री है, और फिर थ्री थ्री पिक्चर्स दिया है। तो अब देखिए इस बॉक्स में आपको फिल करना है, जो बॉक्स दिया है इस बॉक्स में आपको रखना है कि कितने बॉटल्स यहाँ पे हैं। तो पहले कितने बॉटल हैं, थ्री बॉटल हैं, तो आप यहाँ इस बॉक्स में आप थ्री लिखेंगे। इसके बाद फिर कितना है, थ्री है, तो फिर आप प्लस थ्री कर देंगे, फिर कितना है, फिर थ्री है, फिर आप प्लस थ्री करेंगे, और इसके बाद फिर थ्री दिया है, फिर आप प्लस थ्री कर देंगे, ठीक है। अब देखिए थ्री थ्री बॉटल चार बार दिया गया था,
तो अब चार बार हम लिख चुके हैं थ्री थ्री, अब इसको हम ऐड कर लेंगे, प्लस का सिंबल बना है इसको हम ऐड करेंगे, तो थ्री और थ्री कितना होगा सिक्स, सिक्स में हम फिर थ्री ऐड कर देंगे तो कितना होगा नाइन, नाइन में फिर हम थ्री ऐड करेंगे तो कितना होगा ट्वेल्व, तो हम कितना लिखेंगे यहां पे ट्वेल्व, ठीक है। अब ये तो हो गया ऐड, ऐड किया गया, अब इसी चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसी संख्या का हम मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे आंसर कितना प्राप्त होता है। बॉटल कितने दिए गए हैं आपको, थ्री थ्री बॉटल दिए गए हैं, कितनी बार दिए गए हैं तो चार बार दिए गए हैं, फोर टाइम्स दिए गए हैं, तो थ्री बॉटल है इसलिए हम यहाँ पे थ्री लिखेंगे, और कितनी बार दिए गए हैं बॉटल, चार बार दिए गए हैं तो यहाँ हम फोर लिखेंगे, अब फोर का टेबल थ्री में हम पढ़ देंगे तो कितना होगा ट्वेल्व हो जाएगा, ट्वेल्व। देखिए आपका आंसर जो है सेम वही प्राप्त हुआ जो यहाँ आया था, वही आंसर यहाँ भी आपको प्राप्त हुआ है। तो इसी तरह से हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद फिर हम उसी संख्या का जो है, जो संख्या जितनी बार रहेगी, जैसे ये थ्री थ्री चार बार है तो हम चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया है आपका, इसमें कब बनाया है क्वेश्चन बी में, तो पहले हम देखेंगे कि एक साथ पहले बार कितने फिगर्स दिए हैं कब का, तो पहली बार देखिए कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव फिगर दिया है एक बार में, तो पहले यहां हम पहले बॉक्स में फाइव लिखेंगे, फाइव, ठीक है। इसके बाद फिर फाइव दिया है तो फिर हम इसे यहाँ पे फाइव लिख देंगे दूसरे वाले में, तीसरी बार भी फाइव लिखा है तो हम यहाँ फिर फाइव लिख देंगे, ठीक है। अर्थात हमको क्या करना है, फाइव फाइव ऐड करना है, तो ऐड हम करेंगे, फाइव प्लस फाइव कितना होगा टेन, प्लस फाइव कितना होगा फिफ्टीन, तो ये हो गया फिफ्टीन। अब देखिए ये तो हम ऐड करके किए हैं, अब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखिए कितने पिक्चर्स दिए गए हैं यहाँ पे, फाइव पिक्चर, तो हम यहाँ पे फाइव लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम फाइव लिख रहे हैं, और इसके बाद फाइव फाइव पिक्चर्स जो दिया गया है वो कितनी बार दिया गया है, एक दो तीन, तीन बार दिया गया है, तो हम यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन का मार्क लगा ही है, थ्री से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थ्री का टेबल फाइव बार पढ़िए कितना आएगा, फिफ्टीन, फिफ्टीन। अब देखिए आप जो आप ऐड करके पाए थे वही चीज आपको यहां पे मिल गया मल्टीप्लाई करने से। अगला देखिए सी, सेम इसी तरह से आपको करना है सी का भी। यहां देखिए ये बॉटल टाइप का कुछ फिगर दिया है, तो देखिए पहली बार कितना दिया है, वन टू थ्री फोर, फोर पिक्चर है एक साथ फोर है, तो यहाँ पे हम फोर लिख लेंगे, ठीक है। फिर कितना है, फोर है, फिर फोर है, यानी हर बार फोर फोर पिक्चर्स दिया गया है तो हम फोर यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है, हो गया। अब इनको हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वहां लिख देंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई वाला कैसे करेंगे, ये पिक्चर कितना है, फोर पिक्चर है एक बार में फोर है, तो यहाँ पे हम फोर लिखेंगे, यहाँ पे हम फोर लिखेंगे, और ये पिक्चर कितनी बार यहाँ पे दिया गया है ये देखेंगे, कितनी बार है, वन टू थ्री फोर फाइव बार दिया गया है, तो यहाँ पे हम फाइव लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद फाइव का टेबल फोर में आप पढ़ेंगे, यानी फोर बार आप फाइव का टेबल पढ़ेंगे, जितना आएगा वहां पे आप लिख देंगे, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको। नीचे क्वेश्चन डी भी दिया गया है, इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स टू शो हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ईच बॉक्स बास्केट्स। यहाँ कह रहा है कि जो नीचे दिया गया उसको देखिए कि एक जो बास्केट्स हैं
यहाँ पे जो भी फिगर दिया गया है उसमें कितने कितने फ्रूट्स दिए गए हैं, तो और उनको देख करके फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहले बास्केट में कितने फिगर दिए गए हैं, कितने फ्रूट्स हैं, तो इसको आप गिनिए, काउंट करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं फ्रूट्स, 10 हैं। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेन टेन फ्रूट्स दिए गए हैं आपको दोनों बास्केट में। तो यहाँ देखिए आपका फिगर बनाया भी है संख्या में, 10 प्लस 10 अर्थात 10 इसमें है और 10 इसमें है, तो 10 और 10 दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 10 प्लस 10 20 होगा, 20। इसको आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, 10 10 ऐसे लिख करके ऐड कर लीजिएगा और उसी को देखिए मल्टीप्लाई किया गया है। तो एक बास्केट में देखिए कितने हैं, 10 है, और बास्केट कितने हैं, 2 हैं, दो टोकरी है, तो 10 का जो है 2 में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। जब आप 10 का टेबल 2 बार या 2 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो आपको 20 पुनः प्राप्त होगा। सेम उसी तरह से जैसे आप पहला क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वही चीज दिया गया है। बी में देखिए यहां भी बास्केट दिया गया और उसमें कुछ फ्रूट्स दिए गए हैं, तो प्रत्येक बास्केट में पहले हम देखेंगे कितने फ्रूट्स दिए गए हैं। से देखिए 1 2 3 4 5 एक बास्केट में 5 जो है बनाना दिए गए हैं, और यहां पे हम देखेंगे कितने बास्केट हैं, तो 1 2 3 4 5 बास्केट हैं। अब यहां पे हमको फिल करना है, यहां पे हम 5 लिखेंगे, फिर ये 5 लिखा है, इसके बाद फिर हम ये मान लीजिए जो 5 आपको फिल करना था इस बास्केट के लिए था, दूसरा जो मान लीजिए फिल किया है, तीसरे में फिर पूछ रहा है क्या है, यहाँ भी 5 है, यहाँ हम 5 लिखेंगे, फिर देखिए इसका जो है फिल किया है, फिर आपको इसका पूछ रहा है तो इसमें भी 5 है, हम यहाँ 5 लिख देंगे। अब सबको हम ऐड कर देंगे, 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20 प्लस 5 25, तो यहां हम कितना लिखेंगे, 25। इसी तरह से नीचे आपको दिया है, देखिए इसको ऐड किए हम, उसके बाद फिर इसी का मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए कितने बास्केट दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 5 बास्केट हैं, तो यहाँ पे हम 5 फिल कर देंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बास्केट दिया है तो 5 हम यहां लिख देंगे। देखिए 5 पे हम लिख देंगे और ये यहाँ पे 5 आपको मल्टीप्लाई दिया है, तो 5 ये क्या हम लिखे हैं, 5 बास्केट है, तो 5 हम लिख दिए, और ये 5 क्या दिया है, 5 बनानास प्रत्येक बास्केट में दिया गया है, तो इसलिए 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 25 आपको लिखा हुआ मिलेगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या दिया है, रिपीटेड एडिशन, जो एडिशन किया गया है, रिपीटेड एडिशन मीन्स एक ही संख्या का बार बार जो है ऐड किया गया है, रिपीट किया गया है। तो देखिए पहला आपको यहाँ पे किया गया है 3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, इसी को एडिशन में रिपीटेड एडिशन किया गया है, कितना है, 3 दिया है संख्या आपकी, संख्या कितना है, 3 है, और ये मल्टीप्लाई 6 दिया है, अर्थात 6 बार 3 को हम ऐड करेंगे, 3 को 6 बार, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 बार 3 को लिखा है, ठीक है। अब इसको आप ऐड करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तब भी जो है आपको 18 प्राप्त होगा, ठीक है। उसी तरह अब हम इसको करेंगे, यहाँ 4 देखिए लिखा है, मल्टीप्लाई 6 लिखा है,
तो क्या करेंगे हम 4 को 6 बार प्लस करेंगे, क्या है 4 को हम 6 बार प्लस करेंगे, देखिए 4 को हम 6 बार प्लस करेंगे, 1, 2, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1, 2, 3, 6 बार हो गया। अब देखिए 4 दिया था मल्टीप्लाई 6 दिया था, तो 4 को हम लिखे हैं कितनी बार लिखना है 6 बार, तो हम 6 बार लिख लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार लिख लिए हैं। अब इनको हम ऐड कर देंगे, इनको जब हम ऐड करेंगे 4 को 6 बार तो कितना आएगा, आएगा 24। या तो आप 4 का टेबल 6 बार पढ़ दीजिए, 4 का टेबल 6 बार पढ़ दीजिए तब भी आपको इतना 24 मिलेगा, या तो आप इसमें जोड़ते जाइए 4 का 4 में कितना होगा 8 होगा, 8 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 12 होगा, 12 में फिर 4 जोड़ दीजिए कितना होगा 16 होगा, 16 में फिर 4 जोड़ दीजिए कितना होगा 20 होगा, और 20 में फिर हम 4 ऐड कर देंगे 24 हो जाएगा। चलिए अगला, 5 मल्टीप्लाई 4, तो पहले हम 5 लिखेंगे और कितनी बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे, प्लस 4, अरे सॉरी 5 को हमको ऐड करना है कितनी बार 4 बार, तो ये 5 प्लस 5 प्लस 5 4 बार हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐड कर देंगे, 5 को ऐड कर देंगे, 5 प्लस 5 10, 5 15, फिर 5 20, कितना होगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, या तो आप 5 का टेबल 4 बार पढ़ दीजिए तब भी 20 हो जाएगा। दो क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है, इसको आप खुद जो है अपने से करिएगा, सेम इसी तरह से आपको करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।